हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और हम लोग आ चुके हैं नगर कैसल, यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है। तो यहाँ पे देखिए, ये शॉप है अंदर, हेरिटेज हैंडलूम हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के हैंड से बनाए जाते हैं। और ये सामने देख सकते हैं, और ये जगतीपट मंदिर है। इसके अंदर जो लोग भी जाते हैं तो अपने शूज़ वगैरह उतार के ही जाते हैं। और ये एंट्रेंस गेट है, यहीं से एंट्री होती है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं ऊपर, इन स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं। भी कर सकते हैं, और ये अंदर ही रेस्टोरेंट भी है। और यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है क्योंकि काफी हाइट पे ये है। नीचे देख सकते हैं, नदी भी है। तो दोस्तों, हम लोग अब ऊपर देख चुके हैं, अब नीचे से दिखाते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। इसमें लकड़ियाँ लगी हुई, आई डोंट नो ये किसकी लकड़ियाँ हैं। और यहाँ पे ये रूम्स भी हैं, और ये देखिए आर्किटेक्चर इसका, देखिए कैसे बनाया गया है, क्योंकि ये बहुत पुराना है। उस समय की कारीगरी भी बहुत मायने रखती है, कितनी शार्प होती थी। जब कोई भी औजार नहीं होते थे लोगों के पास, तब भी ऐसे कारीगरी की जाती थी। और ये देखिए, यहाँ पे ऐसा रास्ता है जहाँ पे काफी ठंडी हवा आती है इधर से। मंदिर के अंदर यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को क्या आर्किटेक्चर है इसका, देख के बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है यहाँ पे। ये लकड़ियों पे कारीगरी की गई है, और ये उस जमाने में होता था जब कोई बहुत सारे एडवांस औजार नहीं होते थे लोगों के पास। ये तब का बनाया हुआ है, मुझे ये पता नहीं कितना ओल्ड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है। तो ये देखिए, यहाँ पे ऐसा पत्थरों का बनाया हुआ है, बिना सीमेंट के और बिना मोरंग के बनते थे ऐसे पत्थर रख के। इसके कपाट पे देखिए, ऊपर ही बना हुआ है ये भगवान गणेश जी का आर्किटेक्चर बनाया गया है लकड़ियों पे नक्काशी करके। इसके कपाट तो अभी बंद है, तो बता नहीं सकते हैं इसमें कौन से ईश्वर विराजमान है। तो बाहर से ही आप लोगों को दिखा सकता हूँ, देख लीजिए कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे ये मंदिर। और ये इसका प्रवेश द्वार है,
यहाँ पे अगर आपको आना है तो जूते चप्पल बाहर ही उतार के आना है। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं नीचे, और नीचे म्यूजियम है नगर कैसल का, और ये लकड़ियों का ही पूरा बना हुआ है ये। और यहाँ पे ये देखिए लिखा है यू आर अंडर CCTV सर्विलांस। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नगर कैसल के म्यूजियम में, और ये देखिए मेरे पीछे ये ओल्ड चीज़ें रखी हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये पुराना खंभा रखा हुआ है, आई डोंट नो ये किस चीज़ का है, ये लकड़ी का ही बना हुआ है ये। और ये देखिए ये पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, ये जो भी यहाँ पे सामान यूज़ होते थे पहाड़ी स्टाइल में, तो मुझे तो नहीं पता इसको क्या कहते हैं, ये डलियाँ हैं, और ये किस वजह से इनको प्रयोग किया जाता था, और ये किसी जानवर का सिर है और जो सींगे बनी हुई हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जितना भी ये महल बना हुआ है ये सारा लकड़ियों पर टिकाया गया, और ये लकड़ियाँ किस चीज़ की हैं मैं बता नहीं सकता हूँ, और ये बहुत ही ओल्ड मॉन्यूमेंट है यहाँ का। तो बीच में पत्थर भी लगे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, मैं बता नहीं सकता हूँ इसको, आप लोग देख सकते हैं, मैं नीचे से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और ये सारा लकड़ियों पर टिका हुआ है। तो गाइस म्यूज़ियम हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं कवर करने के लिए, जो भी था वो अपने शॉर्ट्स में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो में आप लोगों को क्या अच्छा लगा वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।